सो 86 की शरार्ड अभी हम लोग के पास मौजूद है, तो जो भी अल्टो 2005 का मॉडल अभी हम लोग के पास मौजूद है, तो जो 3,50,000 रुपये में ये सेल हो चुकी है। सादिन भाई ने ये गाड़ी जो है वो दे दी है कि एहसन भाई ओरिजिनल गाड़ी जो है वो हमें चाहिए, कोई पीस टचअप ना हो। 2006 की कल्टस अभी हम लोग के पास मौजूद है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है एहसन शाह, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी अलग अलग गाड़ियों की, भाई सबकी रिक्वेस्ट जो है मैं देख रहा था, तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे। गाड़ियाँ कम है फिर भी अल्लाह इसी तरीके से रमजानों में भी आप लोगों को जो है वो वीडियोज मिलती रहेंगी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो 86 की शरार्ड अभी हम लोग के पास मौजूद है, तो जो भी हमारे भाई जो शौकीन है ना, जो लोग बोल रहे होते हैं कि एहसन भाई ओरिजिनल गाड़ी जो है वो हमें चाहिए, कोई पीस टचअप ना हो, कोई चीज़ बनी हुई ना हो, इंजन रूम जो है वो मिंटो और पुराना मॉडल हो, तो देखें सबसे पहली बात मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है एक मेंशन करना चाहूँगा, साथ साथ हम गाड़ी भी जो है वो देखते रहेंगे। तो देखें जो ओरिजिनल गाड़ियाँ होती हैं ना, जो गाड़ियाँ बहुत सुथरी होती हैं, संभाल के लोगों ने अपने घर वगैरह में खड़ी करी हुई होती हैं, तो उसके रेट जो है वो मार्केट से ऊपर होते हैं। सो इस गाड़ी के रेट थोड़े ऊपर हैं मार्केट से। बाकी ये कि मैं भी आप लोगों को बेसिक डिटेल्स वगैरह जो होंगी ना, सारी चीज़ें वो गाड़ी से ऑनर जो है उनसे सारी चीज़ें आप लोगों को पूछ के बता दूंगा कि भाई कब से उनके पास गाड़ी है और क्या हिसाब किताब है, क्या उन्होंने कोई फुटपाथी वगैरह या कोई चीज़ इसमें कलर करवाई है या पूरी इन्होंने ओवरऑल जो है जेन्युइन रखी हुई है। तो बेसिकली तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई पूरी गाड़ी जेन्युइन है, और जब मैंने इंजन रूम गाड़ी का खोला तो नॉट आउट गाड़ी बहुत साफ है, इंजन रूम से भी मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। सो आप लोगों को गाड़ी की बैक साइड में आप लोगों को दिखाता हूँ कि गाड़ी बैक साइड से जो है वो किस तरीके से मिल रही है। सो ये आप लोग जो है वो चेक कर लें, जैसे गाड़ी जो है वो फ्रंट साइड से है उसी तरीके से जो है वो गाड़ी बैक साइड से भी बिल्कुल साफ आप लोगों को जो है वो नज़र आ रही होगी। सो ये तो हो गई भाई गाड़ी की ऊपर ऊपर बॉडी से बातचीत सारी, हमने ऊपर से आप लोगों को बॉडी जो है वो दिखा दी है, दोनों लाइट्स वगैरह आप लोगों ने देख ली, गाड़ी की रूफ भी जो है वो आप लोग देख लें। सो ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा भी दूँ। सो ये पूरा जो है ना इन्होंने इस तरीके से बिल्कुल क्लियर रखा हुआ है इस गाड़ी को। अब इसका इंटीरियर हम लोग खोल के देख लेते हैं कि भाई इंटीरियर से कैसी है। सो इंटीरियर में आप लोग ये चेक कर लें, गाड़ी के दरवाजे देखें, दरवाजे बिल्कुल साफ़ सुथरे आप लोगों को जो है मिल रहे हैं, इसमें कोई रश वगैरह नहीं है, और हल्का फुल्का अगर कलम लगाओ तो वो आप लोगों को पता ही है कॉर्नर जो है वो बारिश का पानी आता है तो नीचे से ख़राब हो जाते हैं थोड़े बहुत। बाकी गाड़ी के गत्ते जो है वो आप लोग देख लें, यहाँ से आप लोग नीचे की फुटपारियाँ वगैरह जो है वो गाड़ी की आप लोग देखें। अच्छा सीट कवर्स की अगर बात की जाए तो सीट कवर्स वगैरह गाड़ी के साफ़ सुथरे इन्होंने मेंटेन करके रखे हुए हैं, नीचे कारपेटिंग वगैरह साफ़ सुथरी बिल्कुल हुई भी है, कोई डस्ट नहीं है, कोई रस्ट वगैरह नहीं है गाड़ी के अंदर। डैशबोर्ड आप लोग चेक करें, डैशबोर्ड कितना साफ़ कंडीशन में आप लोग को मिल रहा है, पुरानी गाड़ियों में इतने साफ़ होते नहीं है लेकिन इन्होंने बहुत संभाल के रखी हुई, तो इस तरीके से आप लोग को गाड़ी का डैशबोर्ड भी बिल्कुल साफ़ सुथरा और क्लियर जो है वो नज़र आ रहा होगा। मैं बैक साइड का डोर भी आप लोग को एक नज़र जो है वो दिखाना चाहूँगा कि यहाँ से गाड़ी किस तरीके से है, तो ये भी आप लोग देख लें, यहाँ से सारी साइडें वाइडें जो है वो आप लोग देख लें, ऊपर से गाड़ी के पिलर्स देख लें, यहाँ से नीचे वाली साइडों से गाड़ी जो है वो आप लोग देखें। बाकी बैक साइड पर आ जाते हैं, गाड़ी की डिग्गी चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखें इस तरीके की गाड़ियाँ मार्केट में कम ही नज़र आती हैं, तो इसको और तसल्ली से हम लोग देख लेते हैं ताकि अगर कोई भाई पसंद करें लेना चाहें तो उन्होंने गाड़ी जो है वो पूरी देखी भी। ऊपर की साइडें वगैरह यहाँ से देखें, नीचे आ जाते हैं तो ये आप लोग जो है वो चेक करें, इस तरीके से साफ गाड़ी आप लोगों को कोई भी बहुत मुश्किल से मिलती हैं बहुत मुश्किल से जो है वो आप लोगों को मिलती हैं, तो यहाँ से भी गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में है। अब चलते हैं, चल के गाड़ी का जो है वो हम लोग इंजन रूम भी देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि भाई इतना साफ़ सुथरा इंजन रूम आप लोगों को ईजिली नहीं मिलता, क्योंकि देखें पुरानी गाड़ियाँ होती हैं, 86 का मॉडल है, तो अब आप लोग जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना साफ़ आप लोगों को नहीं मिलेगा। आप लोग नीचे की साइड है जो है वो देखो, गाड़ी की बैक वॉल जो होती है यानी कि फायर्ड वॉल होती है वो देखें कितनी साफ़ आप लोगों को जो है वो नज़र आ रही होगी। यहाँ से आप लोग दूसरी साइड का गाड़ी का कुप्पा भी देख लें, बाकी ड्राई बैटरी वगैरह गाड़ी के अंदर इंस्टॉल इन्होंने करी हुई है, और मेरे ख्याल से रेडिएटर वगैरह भी न्यू डाला है, क्या सीन है, बिल्कुल साफ़ यानी कि इसको बोलते हैं ना नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ़ सुथरा, कोई आप लोगों को इसके अंदर कुछ फैली हुई चीज़ नज़र नहीं आएगी, तो गाड़ी नॉट आउट यहाँ से जो है वो क्लियर है। अब चलते हैं ज़रा इसकी और मज़ीद जो डिटेल्स हैं, जो हम गाड़ी के ऑनर से जब बात करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है हम छोटी छोटी चीज़ें पूछ रहे होते हैं तो वो सारे सवाल कर लेते हैं। सो अभी हमारे साथ मौजूद हैं बुरहान उद्दीन साहब, जिनकी ये गाड़ी है। सर हमने गाड़ी तो जो है वो कम्प्लीटली दिखाई है और ऐसी गाड़ी हमें मार्केट में काफ़ी कम दिखती हैं, तो कब से आप यूज़ कर रहे हैं गाड़ी, कब से आपके पास खड़ी है? बेसिकली मेरा गाड़ियों का काम है, ठीक है, हमने ये गाड़ी कहीं से ली हुई है, परचेज़ की हुई है, ठीक है, तो अब बाज़ार में लेके आए हैं हम, ठीक है। अच्छा ये गाड़ी कहीं खड़ी रही है ज़्यादातर, क्या खड़ी रही है? मोहल्ले की गाड़ी है, खड़ी रहती है ज़्यादा, चलती ही नहीं थी उनकी गाड़ी, तो आपने उनसे जो है वो परचेज़ मैंने परचेज़ कर दिया। अच्छा अभी इस गाड़ी के अंदर आपने कोई काम वगैरह जो है वो छोड़ा है? काम कोई नहीं है इसमें, सस्पेंशन इंजन हर चीज़ परफेक्ट है, ठीक है। अच्छा इसकी फुटपारियाँ जो है नीचे वाली साइड है ये कलर हल्की हल्की है, समझ लें 95% ओरिजिनल है, 5% जो है वो कलर है, क्योंकि देखें पुरानी गाड़ी होती है ये चीज़ें तो होती हैं, इसमें गलती हैं बिल्कुल, तो फुटपारियाँ वगैरह अपनी जहन में रखिएगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे आपने ओरिजिनल बोली थी गाड़ी और ओरिजिनल नहीं थी, नहीं फुटपारी तो वगैरह नहीं है लेकिन दरवाजों के नीचे से हल्की सी डोरियाँ जो कॉर्नर है फुटपारियाँ ओरिजिनल है, ओरिजिनल है इसकी।
सर अब लोगों को थोड़ा सा धचका दे देते हैं, जाहिर सी बात है आप इंतजार कर रहे होंगे ऐसे, मैंने इतना बड़ा चढ़ा के बता तो दिए गाड़ी, गाड़ी बहुत अच्छी है कंडीशन की, 86 के हिसाब से कंडीशन की गाड़ी। अच्छा आपके पेपर्स वगैरह हर चीज़ क्लियर है? हर चीज़ क्लियर है, नंबर प्लेट वगैरह, सीपीएससी टैक्स, सब सब क्लियर, सब कुछ क्लियर है। क्या पैसे रखे सर आपने गाड़ी? सर ये 5-10 की डिमांड रखी है। ठीक है, बाकी हो जाएगा इसमें कमी। अच्छा मुझे ये बताएं सर, अभी आप मार्केट में खड़े हैं काफ़ी देर से, कहाँ तक आपको लग रहे हैं पैसे इस गाड़ी के? मतलब 3-4 लोगों ने 4.5 लगाए हैं, 4.5 तक आप लोगों को 4.80 में फाइनल देनी है। ठीक है, 4.80 में यानी कि फाइनल देनी है। तो भाई 4.5 तक की जो है वो ऑफर है भाई के पास, लेकिन 4.80 में जो है ये गाड़ी आप लोगों को मिल जाएगी। नंबर अपना शेयर कर दीजिएगा, 0334-2311-553। ठीक है, और गाड़ी कराची में कहाँ देख सकते हैं? कराची में नॉर्थ नाजमाबाद। ठीक है, नॉर्थ नाजमाबाद में ये गाड़ी आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा भी कोई चीज़ें हम लोग अगर पूछना भूल गए हो, काफ़ी सारे सवाल हमने नहीं पूछे हैं, पूछ लेते हैं बल्कि, एवरेज क्या देती है ये गाड़ी? एवरेज 12-13 देती है। ठीक है, 1000 cc है? 1000 cc, बस ये मेरे ख्याल से दो ही हमारे सवाल रह गए थे। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत आपके टाइम का, फिर मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़। आसिम भाई कहाँ घूम रहे हैं मार्केट में? भाई क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम सर, क्या शिकार विकार पे निकले हुए आज आप? शिकार पे निकले हुए, एक हो भी गए शिकार। अच्छा माशाल्लाह, माशाल्लाह से एक का टोकन करके आए हैं। पिछली बार जैसा कि आपने बनाई थी GLI की, तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, लेकिन वो उसी दिन संडे को सेल हो गई। सेल हो गया, आपको पता है हमारी गाड़ियाँ रुकती नहीं है, जैसे ही लगती है या तो उसी दिन ही सेल हो जाती है या अगले दिन। अच्छा, अभी जो आपने गाड़ी का टोकन दिया कौन सी गाड़ी? अच्छा ये अभी मैं देख के आया हूँ टोकन गाड़ी का, वो भी GLI है, समझ लो बहन भाई है, बहन भाई है, सेम कलर है। उसके अलावा गाड़ी काफी अच्छी है, रिम टायर वगैरह, मॉडल 2010 के एंड की है। इनवॉइस में और जो मतलब CPLC वगैरह में वो 11 ही आ रही है, लेकिन बुक पे 10 है, तो आप 10 के एंड की लगा, 10 के एंड की लगा। GLI है, वही वाला सेम कलर है, गोल्डन। तो मंडे तक हमारे पास इंशाल्लाह आ जाएगी, तो वो गाड़ी भी अवेलेबल हो जाएगी, अवेलेबल तो हो जाएगी। लेकिन अभी रेट आपने पता की, रुके रुके रुके, अभी मैं आप लोगों को बता दूं, तोहफा है तोहफा वाला सीन बन जाएगा, क्योंकि अगर अभी आप गाड़ी के लिए कॉल कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे, तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा भाई। गाड़ी की तस्वीरें, पिक्चर्स वगैरह सब जो है वो शेयर कर देंगे। नंबर को इंशाल्लाह अपने पास होगी गाड़ी। और दूसरा अहसन भाई, अभी हम लोग घूम रहे हैं और रोजे में सर भी घूम रहे, क्योंकि लोग 22-23 लाख ऐसे बोल रहे हैं जैसे पता नहीं आप फिर हम लोग 26-28 की बेचेंगे। नहीं 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 यार, वैसे हम लोग जो ला रहे हैं भाई 22-23 वाला कोई सीन नहीं, जैसा कि आपको पता है, अच्छे मतलब ढूंढ के अब पूरा हफ्ता लगा, पिछले इतवार को बिकी थी, तो आज टोकन हुआ है, मंडे को पेमेंट करके लानी है। तो ये वाली आपको मिल जाएगी फाइनल 18,20,000 रुपए की, गाड़ी अच्छी है। बाकी जो फर्दर डिटेल होगी आप कॉल करोगे तो वो मिल जाएगी। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने करनी है कॉल, कॉल के नहीं, हम नंबर ऐड कर देते हैं, नंबर ऐड करें सर, नंबर व्हाट्सएप वाला है 03112129100 और एक और है 03150807600। ठीक है, तो भाई ये दोनों नंबर है, इसके ऊपर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मजीद आप मालूम जो ले सकते हैं। चले शुक्रिया बहुत बहुत आसिम। ऑल्टो 2005 का मॉडल अभी हम लोग के पास मौजूद है, तो जो भी हमारे जो व्यूवर्स हैं वो बोल रहे थे कि अहसन भाई ऑल्टो ज़्यादा ऐड कर लिया करें, तो ये ऑल्टो मुझे साफ सुथरी नज़र आई, तो मैंने बोला चलो यार इसको देख लेते हैं हम लोग। थोड़ी बहुत जो है वो गाड़ी टचअप वचअप है, बाकी जो है वो गाड़ी ओरिजिनल है, यानी कि लुक वाइज अगर आप गाड़ी देखें तो बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन मिली है। अलग से आप लोगों को खड़ी हुई एक नज़र आ रही होगी कि हाँ भाई कोई साफ सुथरी गाड़ी जो है वो खड़ी हुई है। अच्छा आवाज़ भी जो है वो स्लो होती जा रही है, जैसे जैसे रोजे का टाइम जो है वो करीब हो रहा है, तो अब गला बिल्कुल भाई खुश्क हो चुका है। और कोशिश करूँगा कि बस आप लोगों को गाड़ी की मेन डिटेल जो है बता दूँ। फ्रंट से आप लोग देख लो, दोनों लाइट्स गाड़ी की जो है वो ओके हैं, ग्रिल वगैरह बिल्कुल साफ़ है, बम्पर्स वगैरह यानी कि गाड़ी आगे से बिल्कुल क्लियर आप लोगों को नज़र आ रही होगी। इसी तरीके से हम लोग गाड़ी की पैसेंजर साइड देख लेते हैं, तो पैसेंजर साइड से आप लोग देखो, यहाँ से भी गाड़ी आप लोगों को कम्प्लीटली क्लियर साफ़ सुथरी कंडीशन में जो है मिल रही है। नॉर्मली व्हील कैप वगैरह लगे हैं गाड़ी के ऊपर, टायर्स वगैरह की बात करूँ तो नॉर्मली लेके आप लोग जो है वो गाड़ी चला सकते हो। अभी चेंज करवा नहीं करवाएं, लेके चला लें थोड़ा, फिर जो है वो आगे चल के चेंज करवा लीजिएगा। बैक साइड पर आ चुके हैं, बैक साइड से गाड़ी मैं आप लोगों को जो है वो दिखाता हूँ, तो बैक साइड से गाड़ी जो है वो आप लोग देखें, दोनों लाइट्स वगैरह गाड़ी की जो है वो क्लियर हैं। और VXR जो है वो गाड़ी का वेरिएंट है, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 2005 की ऑल्टो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ताकि बहुत सारे लोग जो आगे पीछे करके वीडियो देखते हैं तो उन लोगों को भी जो है वो पता चल जाए। तो बैक साइड से भी आप लोगों ने गाड़ी देख ली, अब चलते हैं ज़रा इसका जो है वो हम लोग इंटीरियर वगैरह जो है वो यहाँ से देखते हैं कि गाड़ी का इंटीरियर किस तरीके से आप लोगों को मिलता है। तो यहाँ से इंटर हो जाते हैं हम गाड़ी के अंदर, इंटीरियर आप लोगों को दिखा देते हैं। तो दरवाजे आप लोग चेक करें, गाड़ी की डोरियाँ वगैरह आप लोगों को अंदर से सीले वगैरह साफ़ नज़र आ रही होंगी। गाड़ी के जो डोर पैनल्स हैं वो भी साफ़ सुथरी कंडीशन में इन्होंने रखे हुए हैं, बिल्कुल फुटपारियाँ वगैरह यहाँ से क्लियर हैं आप लोग देखें,
ऊपर से यहाँ तक कि ये देखें ये कलर की फाइडिंग वगैरह भी आप लोगों को गाड़ी के अंदर नज़र आ रही होगी। तो यानी कि पॉलीगेट वाला सीन इतना ज़्यादा नहीं है, बाकी हल्का फुल्का कुछ कुछ जगहों पे होगा तो वो आप लोगों को नॉर्मली नज़र आ जाता है वीडियो में भी। बाकी अंदर से आप लोग देख लें गाड़ी का डैशबोर्ड आप लोगों को साफ़ सुथरी कंडीशन में मिल रहा है, कोई चीज़ इसमें मिसिंग नहीं है, यानी कि नीट एंड क्लीन गाड़ी अंदर से रखी हुई है। आफ्टर मार्केट गाड़ी के अंदर सीट कवर्स वगैरह डले हुए हैं, यानी कि कवर्स वगैरह भी डलवाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। रूफ़ भी ऊपर से गाड़ी की जो है वो बिल्कुल साफ़ आप लोगों को मिलती है। बैक साइड का डोर मैं आप लोगों को एक नज़र जो है वो दिखाता हूँ, बैक साइड का डोर किस तरीके से मिल रहा है। तो यहाँ से भी आप लोग देख लें, ये नीचे की साइड है देख लें, ऊपर से आप लोग जो है वो देखें। बाकी इसी तरीके से जैसा मैंने आप लोगों को बताया फ्रंट साइड से जो है वो आफ्टर मार्केट जो है वो सीट कवर्स वगैरह हैं, इसी तरीके से बैक से भी गाड़ी पूरी मेंटेन हुई हुई है। और ये भी आप लोग देखें यानी कि पूरी डिटेलिंग में गाड़ी मिल रही है। देखिए ज़्यादातर जो फैमिली वाले लोग लेते हैं ना गाड़ियाँ, वो इसी वजह से लेते हैं कि यार उनको गाड़ी साफ़ सुथरी मिल जाए, कुछ लेके करवाना ना पड़े। तो इन्होंने डिटेलिंग वगैरह अच्छे से जो है वो गाड़ी के करीब है बिल्कुल, तो आप लोगों को कुछ करवाने की इसमें मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी ये कि कुछ अगर काम हुआ तो जो गाड़ी के ऑनर हैं उनसे हम सवालात कर लेंगे कि भाई क्या हिसाब किताब है हमें बता दें। फ्रंट पे आ चुके हैं, यहाँ से आप लोग जो है वो देख लो फ्रंट पट्टी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। पहले दोनों कॉर्नर दिखा देता हूँ, यहाँ से आप दूसरी साइड का कॉर्नर देखें, नीचे वाली साइड है जो है कुप्पो की साइड है देख लें, टिकली वगैरह गाड़ी के अंदर लगी हुई आप लोगों को नज़र आ रही होगी। बैक की शील्ड आप लोग जो है वो देख लो, इसके अंदर ड्राई बैटरी जो है वो मौजूद है गाड़ी के अंदर। बाकी इस साइड का कुप्पा भी आप लोग एक नज़र जो है वो देखें। तो बस भाई अब इससे ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा हूँ, मुझसे अब इंटरव्यू ले लेते हैं चल के भाई, और मालूम कर लेते हैं गाड़ी का क्या हिसाब किताब रखा है। भाई हमारे साथ मौजूद हैं तो असद भाई, अब मेरा तो सवालात पूछने का जो है वो काम तमाम हो गया है। आप खुद ही बता दें कि बॉडी में कैसी है, पेपर्स वगैरह कितना चली हुई है, एवरेज क्या देती है? बॉडी में टचअप होगी, बाहर से अंदर से गाड़ी तो जेन्युइन है, ठीक है। तो 2005 के मॉडल है, पेपर वगैरह तो ओके इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी ये किलोमीटर आप बता रहे हैं, मतलब लीटर में 12-13 किलोमीटर 12-13 किलोमीटर। अच्छा खुदा ना खासा कोई लगी वगी गाड़ी नहीं, एक्सीडेंट गाड़ी नहीं है, ठीक है। एक्सीडेंट गाड़ी नहीं है, कुछ भी टचअप वगैरह होंगे गाड़ी ऊपर से, अंदर से जो है वो गाड़ी ओरिजिनल है। और चली भी कितना बताइए आपने मुझे? लाख के होगा आसपास, लाख के आसपास होगा। क्या पैसे रखे सर आपने गाड़ी के? 6.5 लाख रुपए। तो भाई 6.5 लाख रुपए में गाड़ी आप लोग को मिल रही है, लेकिन ये जाहिर सी बात है कमी पेशी वगैरह हर चीज़ में होती है। जब आप कॉल करते हैं अच्छी ऑफर लगाते हैं तो बातचीत बन जाती है। असद भाई को कॉल कर सकते हैं सर, अपना नंबर शेयर कीजिएगा। 0317-21-44-631, ठीक है। और कराची में कहाँ देख सकते हैं ये गाड़ी? ये नया नाजमाबाद, ठीक है। नया नाजमाबाद पे ये गाड़ी आप लोग विजिट कर सकते हैं। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत। 2006 की कल्टस अभी हम लोग के पास मौजूद है, तो देव भाई भी हमारे जो बोल रहे थे कि एहसन भाई कल्टस कोई दिखे तो जो है वो ऐड कर लीजिएगा। सो ये गाड़ी जो है वो आप लोग देख लें, अलॉय रिम्स वगैरह गाड़ी के अंदर लगे हुए हैं। बाकी देखें मजीद पार्टियाँ वगैरह भी आके जो है वो चेक कर रही हैं गाड़ी, तो गाड़ियाँ जो है वो लोगों को देख रहे हैं आके। आप लोग भी साथ साथ जो है वो देखें हमारे किस तरीके से गाड़ी आप लोगों को जो है मिल रही है। तो ऊपर देख लें, ऊपर पिन वगैरह जो है वो गाड़ी के अंदर लगा हुआ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा एक्स्ट्रा, जो नॉर्मली स्पॉइलर थोड़ा सा एक शो जो है वो गाड़ी के अंदर बढ़ जाती है उसमें जो है वो लगा हुआ होता है। बाकी इसके अलावा टायर्स वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो गाड़ी के टायर्स वगैरह भी देख लें आप लोगों को सही कंडीशन में मिल रहे हैं, देख के आप लोग जो है वो चला सकते हैं। तो चलते हैं इसी तरीके से पूरा एक ओवरव्यू लेते हैं गाड़ी फ्रंट साइड से भी, देखते हैं कि भाई फ्रंट साइड से गाड़ी आप लोगों को किस तरीके से जो है मिल रही है। तो ये आप लोग जो है वो चेक करें गाड़ी की फ्रंट साइड पे जो है वो हम लोग आ चुके हैं। यहाँ से भी गाड़ी जो है वो आप लोग देख लें, गाड़ी नॉट आउट साफ सुथरी कंडीशन में जो है इन्होंने बिल्कुल रखी हुई, कोई स्क्रैचेस कोई डेंट्स वगैरह गाड़ी के ऊपर जो है वो नज़र नहीं आ रहे होंगे। सो दोबारा से मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर 2006 का मॉडल मैं आप लोगों को जो है वो दिखा रहा हूँ। गाड़ी के इंजन रूम की तरफ आ चुके हैं हम लोग, सो गाड़ी के कुप्पे वगैरह मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप लोग गाड़ी की साइडें वाइडें जो है वो देख लें। इसी तरीके से अगर हम बात करें गाड़ी की बैक की शील्ड की, तो बैक की शील्ड वगैरह भी क्लियर आप लोगों को जो है वो नज़र आ जाती है। इसके अंदर टिकली वगैरह लगी हुई जो है वो आप लोगों को दिख रही होगी। बाकी जो है CNG इसमें से जो है वो रिमूव हुई हुई है, पेट्रोल पे जो है ये चला रहे होंगे गाड़ी। इसका इंटीरियर अभी जो है वो हम लोग देखते हैं, इंटीरियर से गाड़ी जो है वो आप लोगों को किस तरीके से मिलती है। तो सबसे पहले इंटीरियर में बैक साइड से मैं आप लोगों को गाड़ी की डिग्गी वगैरह दिखा देता हूँ, तो ये आप लोग जो है वो चेक कर लें। ऊपर की साइडें वगैरह जो है वो आप चेक करें। नीचे से इसी तरीके से मैं आप लोगों को पूरा एक ओवरव्यू दूं, तो यहाँ से भी आप लोग देखें दोनों साइडों से जो है वो देख लें। स्पेयर व्हील वगैरह गाड़ी के अंदर जो है वो रखा हुआ आप लोगों को जो है वो नज़र आ रहा होगा। बाकी एक ओवरव्यू आप लोग यहाँ से देख लें, छत की जो रूफ़ वगैरह होती है ना, वो ऊपर वाली साइडें होती हैं, वो भी आप लोग देख लें कम्प्लीटली क्लियर आप लोगों को जो है मिलती है। इसका इंटीरियर अब हम लोग फ्रंट साइड से भी देख लेते हैं, ड्राइविंग साइड से गाड़ी किस तरीके से मिल रही है। तो दरवाज़ों की साइडें वगैरह जो है वो आप लोग यहाँ से देख लें, एक नज़र आप लोगों को दिखा देता हूँ। गत्ते वगैरह देखें गाड़ी के, बाकी बात की जाए अगर गाड़ी की फुटपारियों की, फुटपारियाँ यहाँ से चेक कर लें। इसी तरीके से ऊपर से पिलर्स वगैरह गाड़ी के जो है वो आप लोग एक नज़र देखें। बाकी बात की जाए अगर अंदर वाली साइड की गाड़ी के डैशबोर्ड वगैरह की, तो डैशबोर्ड वगैरह क्लियर है, ऊपर जानवाज वगैरह लगी हुई आप लोगों को नज़र आ रही होगी। सेंटर कंसोल वगैरह भी साफ सुथरा इन्होंने रखा हुआ है, नीचे रबर मैट्स वगैरह डाले हुए। तो गाड़ी तो आप लोगों को कम्प्लीटली जो है वो मैंने दिखा दी है। अब चलते हैं जो गाड़ी के ऑनर हैं, ज़रा उनसे बातचीत कर लेते हैं और मजीद मालूम ले लेते हैं गाड़ी के बारे में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं अनस अरशद साहब जिनकी गाड़ी है। सर हमने गाड़ी तो जो है वो दिखा दी है, बाकी डिटेल्स वगैरह दें गाड़ी कैसी है, क्या हिसाब किताब है इस गाड़ी का? ये गाड़ी जेनियन है, कुछ भी टचअप है इसके, बाकी छत डिग्गी बोनट जेनियन है, अलॉय रिम टायर वगैरह डले हुए हैं,
टोटल पेट्रोल भर है, एसी वगैरह भरे कितने? ठीक है, कुछ भी जो है वो गाड़ी के टचअप हैं, कुछ भी जो है वो गाड़ी के जेन्युइन है, यानी कि 50-50% जो है वो हम लोग बोल सकते हैं। खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं है? नहीं नहीं, एक्सीडेंट नहीं है। ठीक है, क्या आपने डिमांड रखी है गाड़ी की? हमने 640 डिमांड रखी है। ठीक है, मुनासिब हो जाएंगे कुछ इसमें वैसे? जी मुनासिब हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई 6,40,000 रुपये गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जो कमी पेशी वगैरह होगी नेगोशिएट होगी, ऐसी बात है, आप कॉल करेंगे तो बातचीत बन जाएगी। सर अपना नंबर शेयर कीजिएगा। 0016-2416-2414-2414-1613-1613। तो ये भाई का नंबर है, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कराची में कहाँ देख सकते हैं? कराची में पावर हाउस चौरंगी पे आप कॉल कर देगा फिर आगे। ठीक है, तो पावर हाउस चौरंगी पे ये गाड़ी आप लोग विजिट कर सकते हैं। चले शुक्रिया। ये गाड़ी आप लोगों को दिखाई थी और ये गाड़ी जो है वो सेल हो चुकी है। तो जैसा मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि भाई अच्छी ऑफर देंगे तो गाड़ियाँ जो है वो परचेज हो जाती हैं, यानी कि सेल हो जाती हैं। तो ये गाड़ी सेल कितने में हुई है? 3,50,000 रुपये में ये सेल हो चुकी है। सादिन भाई ने ये गाड़ी जो है वो दे दी है। तो ऐसे ही होता है भाई, रेट वगैरह थोड़े ऊपर नीचे रखने पड़ते हैं ताकि जब बंदा आए तो गुंजाइश उसके अंदर निकाल ली जाए। तो सादिन भाई, हो गई सेल फाइनल है? सेल हो गई। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्या आने वाला है हमारे पास? नेक्स्ट इंशाल्लाह 2011 की कल्टस आएगी। ठीक है, 2011 की कल्टस आने वाली है। तो भाई ये तो हो गई सेल, 2011 की कल्टस आने वाली है, उसके लिए पहले से बातचीत कर लो, क्योंकि गाड़ी आती है फिर मार्केट में बिक जाती है। आप लोग बोलते हो हसन भाई सेल हो गई, ऐसा ही है? नंबर बताओ साजन एक दफ़ा। 0314-211-9056। चलें, ये साजन का नंबर है, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। Subscribe below.